जाके हर एक लड़की, हर एक औरत मतलब हर उम्मीद के साथ उस जगह पर जा रही हैं, मतलब फॉर्म फील कर रही हैं। इतने बुरे टोन में बात कर रही थी वो, इतने बुरे टोन में बात कर रही थी लेडीज़ों से। उनसे पूछा गया कि अकाउंट में मतलब पैसे आ रहे हैं तो वो पैसे कहाँ गए, तो उनका जवाब था जिसने मैसेज भेजा है उसी से जाओ, उसी से लो पैसे, हमने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा है। क्या बताऊँ, एक तो सीधे मुँह वो लोग बात नहीं करते किसी से बैंक में, किसी भी बैंक में, मैं एक बैंक का नहीं बोल रही हूँ, मैंने ज़्यादातर बैंकों में यही देखा है, आपसे सीधे मुँह कोई बात नहीं करेगा, इधर जाओ उधर जाओ, उधर से इसके पास जाओ, हमें नहीं पता। पैसा दे रही तो सरकार दे रही है ना, आप लोग आपकी जेब से तो नहीं दे रहे हो किसी को पैसा, सरकार का ही पैसा ना, आपको भी सरकार तनख्वाह देती है, उन्हें भी सरकार ही दे रही है। और अगर आपके बैंक का नाम अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपका फ़र्ज बनता है आप बताएं। फ़ैन ऑफ करना, ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई ये चीज़। पंखे बंद कर देना गर्मी में, इतनी उमस हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। हेलो फ्रेंड, अब मैं निकल चुकी हूँ बैंक के लिए। यहाँ पर मैंने अपना वॉइस बंद किया हुआ है क्योंकि वीडियो का साउंड ऑफ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैंक का नाम बोल दिया था तो मुझे नहीं लगता कि बैंक का नाम अभी मुझे बताना चाहिए, तो बैंक का नाम मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन सोचा नहीं था कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, बैंक के जो हालात थे वो देखकर मुझे ब्लॉग बनाना ही पड़ा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बैंक में, देखिए कुछ इस तरीके से भीड़। अब मैं आपको दिखाऊँगी, सारे फ़ैन ऑफ किए हुए हैं, सब पंखे बंद कर रखे हैं, और आगे देखना काफ़ी भीड़ हो रही है। देखिए किस तरीके से लेडी से परेशान हो रही है, नंबर लगाकर खड़ी हुई हैं इतनी। हेलो कैसे, अच्छा वीडियो देखती हो ब्लॉग देखती हो? ब्लॉग देखती हूँ, ब्लॉग बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आप कहाँ पे रहते हो? मैं आशिमा मॉल। आशिमा मॉल, यार चलो बढ़िया, ले लो फोटो। बैंक से जाने के बाद मुझे लव की कुछ बुक्स लेना थी तो मैं गई थी स्टेशनरी पर, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ बुक, लेकिन मन नहीं माना मेरा। अब आगे ब्लॉग देखो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। आज मैं बैंक गई थी तो अभी तो मतलब जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अभी एक योजना चल रही है, लाडली बहना योजना, ठीक है, तो उसके कारण बैंकों में हो रही है बहुत ही ज़्यादा भीड़। मतलब सारी लेडीज़ से लग रहा है कि मतलब सभी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं कि मतलब हमारा नाम उसमें जुड़ जाए, और जो भी मतलब योजना है उसके तहत हम लोगों को जो मिल रहा है वो चीज़ हमें भी मिले करके, हर एक लड़की हर एक औरत मतलब हर उम्मीद के साथ उस जगह पर जा रही हैं, मतलब फॉर्म फिल कर रही हैं। फिर उसमें हो रही है एक प्रोसेस, वो EKYC करवाना पड़ रहा है शायद, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर पूछा, बहुत लेडी से बाहर बैठी हुई थी। अभी क्या है, थोड़ा मेरा अकाउंट में थोड़ा पेमेंट को लेके इशू हो रहा था और मुझे कुछ काम भी था बैंक में, तो मैं वहाँ पर गई। तो पहले तो मैंने सबसे पहले जो वहाँ पर मैडम बैठी हुई थी उनका जो टोन था बात करने का, सीरियसली मैडम इतने बुरे टोन में बात कर रही थी वो, इतने बुरे टोन में बात कर रही थी लेडीज़ों से। उनसे पूछा गया कि अकाउंट में मतलब पैसे आ रहे हैं तो वो पैसे कहाँ गए, तो उनका जवाब था जिसने मैसेज भेजा है उसी से जाओ, उसी से लो पैसे, हमने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा है। तो मैम बैंक आपका है, बैंक से मैसेज आया है तो बैंक में ही बंदा आएगा ना, उससे जाके बात करो, हमने नहीं दिए तुम लोगों को पैसे जो हम लोगों को आके परेशान करियो, तो ये आपका काम है, आपको सरकार ने मतलब लोगों की सुविधा के लिए दिया गया, आप जो पेमेंट ले रही हो वो आपको मिली उस चीज़ की रही है, सबसे पहली बात। तो मैडम का मुझे भी बड़ा गंदा टोन लगा बात करने का, इतने बुरी तरीके से वो लोगों को जवाब दे रही थी, इतना बुरा बोल रही थी, यार क्या बताऊँ। एक तो सीधे मुँह वो लोग बात नहीं करते किसी से बैंक में, किसी भी बैंक में, मैं एक बैंक का नहीं बोल रही हूँ, मैंने ज़्यादातर बैंकों में यही देखा है, आपसे सीधे मुँह कोई बात नहीं करेगा, इधर जाओ उधर जाओ, उधर से इसके पास जाओ, हमें नहीं पता, उससे पूछो इससे पूछो, यही चलता रहता है। आधा मतलब आदमी को आधा खोखला तो वही लोग कर देते हैं बैंक वाले, तो वो भी मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर उसके बाद वहाँ पर थी लाइन, और लाइन इतनी मतलब भीड़ होने के बाद भी सारे फैन ऑफ करवा दिए बैंक वालों ने, क्या मतलब इसका, क्यों सारे पंखे बंद करवा दिए, इतनी भीड़ और थी, इतनी परेशान हो रही है, इतनी परेशान हो रही है। पैसा दे रही तो सरकार दे रही है ना, आप लोग आपकी जेब से तो नहीं दे रहे हो किसी को पैसा,
सरकार का ही पैसा ना, आपको भी सरकार तनख्वाह देती है, उन्हें भी सरकारी दे रही है, और अगर आपके बैंक का नाम अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपका फर्ज बनता है आप बताएं। अगर आप बता नहीं सकते तो पीछे कुछ नोटिस लगाएं, जो भी लेडी से पूछ रही हैं उसका जवाब आप लिख के बता सकती हैं, जिस तरीके से आप बोल के बता रही हैं। आपका एक तो पहले बात मैडम का बोलने का टोन बहुत ही बाप रे बाप, ऐसा लगा जैसे मैडम अपने अकाउंट में से निकाल के लोगों को पैसे दे रही थी। तो आपको रखा क्यों गया है मैडम, बड़ा बुरा सा लगा, अच्छा नहीं लगा इस तरीके का व्यवहार। आज आप क्या बोले यार, इतना जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है, जानवरों की तरह। बूढ़ी औरतें भी हैं उसमें, लड़कियां भी हैं, जवान भी हैं, और फैन ऑफ करना ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई ये चीज़। पंखे बंद कर देना गर्मी में, इतनी उमस हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी भीड़ हो रही, पैर रखने की जगह नहीं है। मानते हैं आप लोगों पर भी वर्कलोड रहता है, आपके ऊपर भी है, ठीक है, आप एक ही एक जवाब देकर परेशान हैं, ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं परेशान हो रहे, अभी योजना आई है तो आप परेशान हो रहे हैं। तो वो लोग भी तो घर छोड़ छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर का काम छोड़ के सुबह से लाइन लगा लगा के खड़ी हैं, भूखी प्यासी खड़ी हैं। अभी आप लोगों का लंच होगा, आप सब बंद करके लंच करने के लिए चले जाएंगे, वो फिर भी वो लोग आपका वेट करेंगी वहां पर खड़े होके, उतनी ही गर्मी में वेट करेंगी। मैं तो सबसे बड़ी बात मानती हूँ, अगर ये योजना लेके आ रहे हो ना तो फिर ये जानवरों वाला सुलूक मत करवाओ। अगर आप फॉर्म फिल करवा रहे हो, औरतों के अंदर उम्मीद जगा रहे हो, तो उस पर फिर खरे उतरो आप लोग। बैंकों में भी निर्देश दो कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उस जगह पर आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आप बैंक वालों को भी दीजिए कि आप किसी भी लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि योजना तो आप लेके आए हो। लेडीज़ों ने थोड़ी बोला था कि आप लाओ यही वाली योजना, लाडली बहन को लेके आओ। हाँ, तो ये सरकार का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, बैंक वालों का भी फ़र्ज़ बनता है, और थोड़ा बहुत अगर जो हमारी बहनें घर से निकलती हैं तो वो भी परेशान रहती हैं, तो वो लोग भी थोड़ा चिड़चिड़ कर लेती हैं, तो सबका मिलजुल के, लेकिन बैंक वालों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलना चाहिए, थोड़ा तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि वो आपका काम है। आप जिस जगह सर्विस करते हो तो वो आपका काम है, आपको उसको ठीक से निभाना चाहिए। अगर आप ऊंची पोस्ट पे हो तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप किसी के साथ बदतमीजी करोगी। मैडम, आपसे इतने रिस्पेक्टफुली बात की जा रही थी मैडम, है ना, और जिस टोन में आप लोग जवाब दे रहे थे वो तो सिर्फ गरीब है, इसीलिए तो तुम्हारे दिल्ली पे आए, तुम्हारे बैंक में आए हैं। लाखों करोड़ों वाले होते तो कौन तुम्हारे पास आता है बताओ, गरीब है, उम्मीद है, जब भी तो तुम लोगों की बैंक में आ रहा होगा कोई, और तुमसे तो नहीं मांग रहा है, सरकार दे रही है पैसे। तुम लोग दे रहे होते तो एक बात मानते कि हाँ बैंक वाले जो तुम वहाँ के एम्प्लॉय हो, तुम लोग अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हो तो तुम रुबाब दिखा सकते हो किसी के ऊपर भी, किसी से भी बदतमीजी कर सकते हो। तुम नहीं दे रहे हो, सरकार पैसा दे रही, जैसे तुम्हें नौकरी का पैसा मिलता है ना वैसे ही सरकार दूसरों को पैसे दे रही है। तो जो तुम्हें काम दिया गया ना तो उसको ठीक से करो, किसी के साथ बदतमीजी मत करो। अभी तो सिर्फ मैं बैंक के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट वहाँ पर है, और इसके कारण मतलब मैं, क्योंकि एक बैंक के पास जाऊँगी तो सभी का यही हाल है यार, किसी एक के साथ नहीं है, सभी बैंकों का यही हाल होता है और सभी जगह पे यही रुबाब होता है। बस थोड़ा सा